एक बार में तीन तलाक को अपराध करार देने वाला तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को सदन में रखा, इसके बाद से ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। मैंने जो प्रस्ताव सदन के सामने लाया है, मेरे आरंभिक शब्द स्पष्ट है कि ये सदन महिलाओं के अधिकार का सम्मान करता है। हमने ये भी कहा है कि हम इस बिल के समर्थन करते हैं। हमने सत्ताधारी दल को अपने नाम देने को कहा है। आई हैव बीन वेरी क्लियर द लीडर ऑफ द हाउस इज रॉन्ग इन सेइंग दैट वी आर एक्सक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी। सर चेक द रिकॉर्ड, आई हैव फर्स्ट सेड that the names of the ruling party, the BJP and the NDA will be given by the government. So we are not irresponsible. Second, sir, if you look at Rajya Sabha at work, this is within the rights of the chair to allow. And sir, now the ruling party is raising slogans. They are not allowing me even to speak. Please, sir, just see what's going on. Let the country see. Arre, mahila virodhi to aap hai. Mahila arakshan. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस के रवैये की आलोचना की। टुमारो व्हाट इज द प्रैक्टिस यू आर सेटिंग दैट टुमारो इफ देयर इज टुमारो इफ पार्लियामेंट्री कमिटीज आर अपॉइंटेड इन व्हिच एवर हाउस अ पार्टी हैज अ मेजॉरिटी एवरीबॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी विल कॉन्स्टिट्यूट 100% ऑफ द कमेटी। दिस हैज नेवर हैपेंड सिंस 1952 इन दिस पार्लियामेंट। For the first time, breaking all parliamentary convention and precedents, an invalid motion is moved that everybody must represent a particular political group and all sections of the house must be represented on that committee. Okay. रविशंकर प्रसाद ने सदन के अंदर जहां विपक्ष से कड़ी टक्कर ली, वहीं सदन के बाहर बिल पर कांग्रेस के रुख पर दुख जताया। हमें उम्मीद थी कि लोकसभा में व्यापक चर्चा और बहस के बाद राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी वही रुख अपनाएगी जो उसने लोकसभा में अपनाया था, लेकिन आज हमें इस बात की बहुत पीड़ा है, हमें बहुत दुख है कि इस मुल्क की मुस्लिम समाज की बहनों बेटियों को तीन तलाक से मुक्ति देने वाले इस बिल पर कांग्रेस पार्टी का रवैया ढुलमुल था और विरोधी था। कांग्रेस पार्टी इस बिल को लटकाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के 17 के फैसले के बावजूद, लोकसभा के द्वारा पारित होने के बावजूद, चूंकि हमारा वहां बहुमत था, कांग्रेस पार्टी हमें रोक नहीं सकती थी, तो मजबूरी में समर्थन किया। ये बिल 28 दिसंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में जिस बिल की विपक्ष ने जमकर तारीफ की, राज्यसभा में उसी बिल में बदलाव की मांग कर जमकर हंगामा किया। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इसी सेशन में बिल को राज्यसभा में पास कराकर कानून का रूप दे पाती है या फिर बजट सेशन तक बिल अटकेगा। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।